छुट्टियां स्पेंड करने में निकला हूँ, और आप लोगों को पता है कि मैं कुकिंग शो करता हूँ और यूट्यूब पे मेरे चैनल का नाम है चीज़ी फीवर। क्योंकि मैं छुट्टियां स्पेंड करने निकला हूँ तो मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और आज ये लोग कुकिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग क्या कुकिंग कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें चीज़ी फीवर को और बेल आइकन को दबाएँ। मैं इस वक्त नीलम वैली में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए हैं, जैसे मैं कराची से आया हूँ, तो हमारे यहाँ कुछ दोस्त भाई भी इंजॉय करने आए हुए हैं और ये कुछ बना रहे हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि भाई आप क्या बना रहे हैं। अच्छा गुल शाहिद भाई, ये आप रेसिपी जो बना रहे हैं मुझे इसके बारे में तो बताइए, आप क्या बना रहे हैं? ये चिकन टिक्का है। चिकन के साथ हमने इसके अंदर शामिल किया योगर्ट, दही, उसके अंदर मसाले शामिल किए हैं, चिकन टिक्का मसाला। तो जी गुल शाहिद भाई और उनके दोस्त आज बना रहे हैं चिकन टिक्का, और इस वक्त हम मौजूद हैं नीलम वैली में और LOC के दरमियान हम बैठे हैं। हमारे सामने इंडियन आबादी है, वो जो एरिया है वो इंडियन का है, और जो आबादी है वो मुसलमानों की ही है, और इस तरफ जो है वो पाकिस्तान, यानी कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वो पाकिस्तान है और हमारे बिल्कुल सामने इंडिया की आबादी है। तो आइए शुरू करते हैं। कोयले दहक चुके हैं, चिकन को 2 घंटे के लिए मैरिनेशन टाइम दे दिया था, अब हम इसको ग्रिल करते हैं। और इस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका है, अंधेरा शुरू हो गया है, बहुत अच्छा मौसम है, सर्दी है लेकिन ज़्यादा सर्दी नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार मौसम हो रहा है। और मेरे जिन दोस्तों ने पाकिस्तान का अभी विज़िट नहीं किया है, टूर नहीं किया है, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि नीलम वैली ज़रूर आइएगा। यह कश्मीर साइड पर है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज़ हैं। मज़ेदार चिकन टिक्का दोस्तों ने तैयार कर लिया है, ग्रिल किया है इसको, बाहर बड़ा अच्छा मौसम है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।